Hey guys, what is up? Yeah, this is Rukish from Tripura. तो गाइस मैं आप लोगों के फिर से आ गया हूं ओपीओपी न्यूज़ बेसिकली यूट्यूब और दूसरे सोशल मीडिया के साइट से मुझे न्यूज़। तो गाइस आप लोग ये वीडियो कॉन्टेक्ट जरूर देखना। बाय द वे गाइस मैं अभी शूट कर रहा हूं बाहर, तो या शायद आप लोग कुछ बैकग्राउंड नॉइज वॉइस सुनने के लिए मिलेगा, तो उसको या थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। ये सर बेसिकली आज का जो फर्स्ट न्यूज़ होता है वो तो वैसे सेम रंगल है। बेसिकली ये है, आप लोग स्क्रीन पे देखने के लिए मिल जाए। आप लोग पता है अगर आप लोग इंस्टा फेसबुक करते हो, कुछ मीम शेयर करते हो, फिर देखते हो एक मीम मिलेगा जो आप लोग डिस्प्ले पे देख सकते हो। भाई का थंबनेल, इस भाई को देख सकते हो जो पेट्रोल प्राइस जो हाई हुआ था तब मीमिक्री करते हो बहुत, मतलब मोदी को लेके बहुत वीडियो अपलोड किया था। तो उसके बाद ही इसके साथ अभी कुछ प्रॉब्लम हो गया। बेसिकली हुआ क्या, इन सब के ऊपर भाई ने और एक वीडियो अपलोड किया था अपने यूट्यूब चैनल पे, तो उसका एक मैं छोटा सा पार्ट प्ले कर देता हूँ। तो देखो एग्जैक्टली क्या हुआ। और मैंने एक रैंडमली पेट्रोल पंप सुना, मैंने कहा यहाँ वीडियो बना लेते हैं। तो मैं जब पेट्रोल पंप पे गया तो वहाँ दो लोग, तो मैंने कहा भाई साहब मुझे वीडियो बनाना है। तो उन्होंने कहा कि आप हमारे सेठ जी से परमिशन ले लीजिए फ़ोन पे। तो मैंने सेठ जी को फ़ोन किया तो सेठ जी ने कहा कि क्या करने वाले हो। मैंने कहा सर वीडियो बनाना है। बोले क्यों बनाना है। मैंने कहा सर ये 100 रुपये से ऊपर हो गया ना पेट्रोल, इसलिए बनाना है। कौन से चैनल के लिए बना रहे हो। मैंने कहा यूट्यूब चैनल के लिए। ठीक है बना लो। मैं जब वीडियो बनाया तो वो दोनों लड़कों ने कहा यार आप हमारे पेट्रोल पंप पे आए हो वीडियो बनाने के लिए, तो आप हमारे पेट्रोल पंप का नाम जरूर लेना वीडियो में, ऐसा नाम दिखाना जरूर ऐसे। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, वैसे दिखाते हम नहीं है लेकिन आप बोल रहे हो तो दिखा देंगे। तो मैंने नाम दिखा दिया और वीडियो बना लिया। तो उन्होंने कहा कौन से चैनल पर कब आएगा। मैंने कहा ये शाम तक आ जाएगा यूट्यूब चैनल पर। मैं वहाँ से चला गया और वीडियो डालने के बाद वीडियो वायरल हो गया। दूसरे दिन सेठ जी का फ़ोन आया, कहते यार आप क्या करके गए हो यहाँ पे। मैंने कहा सर क्या किया है। बोले आपने वीडियो बनाया। मैंने कहा सर आपसे पूछा था ना। तो कहते आप तो, आपने पूछा था, आप तो 100 रुपये से ऊपर हो गया पेट्रोल इसलिए बनाने वाले थे। मैंने कहा सर मैंने इसीलिए बनाया है। कहते आप तो यूट्यूब के लिए बना रहे थे। मैंने कहा सर यूट्यूब के लिए बनाया है। कहते नहीं ये वीडियो तो मेरे को बहुत परेशान कर रहा है। मैंने कहा सर क्या परेशान कर रहा है। कहते नहीं आपने ये गलत बनाया, हमारी छवि को ठेस पहुंची, हमारी छवि खराब हुई है। मैंने कहा सर आपकी अगर छवि खराब हुई है उस वीडियो से तो मैं आपकी 4 सेकंड का जो स्टार्टिंग का पार्ट है वो मैं हटा देता हूँ और आपसे मैं माफ़ी मांग लेता हूँ। कहते नहीं मेरी छवि खराब हुई है मुझे, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो हमारी कंपनी है उसको बहुत प्रॉब्लम है और मुझे आपके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी। मैंने कहा ठीक है सर, फिर आप देख लीजिए कार्रवाई, अगर आप करना चाहते हैं तो कर लीजिए। मैं माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ। माफ़ी इसलिए मांगने के लिए तैयार हूँ कि आपको परेशानी हुई है। मैं इसलिए मांगने के लिए तैयार नहीं हूँ कि मेरे कंटेंट में कुछ दिक्कत है या मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे ऐसा करना चाहिए था, उससे आपको परेशानी हुई, मैं उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं वीडियो हटा दूंगा, वीडियो नहीं हट सकता है सर। ऐसा मैंने कुछ गलत बोला भी नहीं है, बट उनकी अपनी मजबूरियां हैं पेट्रोल पंप संचालक की। उनकी तेल की सप्लाई बंद कर दी गई है और उनको मुझ पर कार्रवाई करनी पड़ेगी। उसके बाद में वो तेल की सप्लाई चालू होगी और उनको लाइसेंस रद्द करने की भी धमकी मिली है ऊपर से, वैसा मुझे सूचना मिली है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि यार मेरे उस वीडियो से किसकी छवि को ठेस। देन जो स्टोरी था वो तो इसलिए एंग्री प्रेस की तरफ से, एंग्री प्रेस ने हिट कर चुका है 5 मिलियन अपलोड, अब सभी को पता ही है। तो इसके ऊपर एंग्री प्रेस ने बेसिकली एक ट्वीट किया, जैसे आप लोग देख सकते हो एक सरप्राइज वीडियो आने वाला है, तो ये देखते हैं वो कब आता है और कैसा धमाल मचाते हैं। देन जो स्टोरी आता है वो ऑब्वियसली मुंबई खेड़ निखिल की तरफ से। मुंबई खेड़ निखिल कल, मतलब रिसेंटली अपने ब्लॉग में बताया कि वो मतलब एक्सीडेंट होते होते रह गए और मरने भी, मतलब बहुत ही खतरनाक वाला एक्सीडेंट होने वाला था। तो इसका एक छोटा सा पार्ट मैं प्ले कर देता हूँ, तो देख लो। आई स्वेयर टू गॉड आज मेरा नेक्स्ट लेवल वाला रोड रेज हो जाता। एक आदमी ने मुझे ऑलमोस्ट मार ही दिया था, मेरा सिग्नल ग्रीन था, मैंने, और मुझे पता आईटी का सिग्नल जो रहता है ना, इट इज़ अ वेरी डेंजरस सिग्नल टू क्रॉस बिकॉज मेट्रो का काम चल रहा था, दिखता नहीं कि सामने से गाड़ी आ रही कि नहीं, बट मेरा सिग्नल ग्रीन था, मैं धीरे धीरे ले रहा था। अच्छा हुआ धीरे धीरे ले रहा था, बिकॉज मुंबई में क्या होता है जब सिग्नल रेड होता है ना तो पब्लिक 1-2 सेकंड तोड़ती है ग्रीन समझ के। ठीक है मैंने भी किया है, नॉट एन इशू। इशू इज व्हेन यू ब्रेक द सिग्नल फास्ट, लाइक यू कैन जस्ट गो एट 100 किलोमीटर का स्पीड व्हेन इट्स रेड, राइट। तो मैं जा रहा था और लिटरली एक गाड़ी आई और मुझे उड़ाते रह गई, मतलब मैं बता रहा हूँ यहाँ से गई गाड़ी, यहाँ से आराम से 80-90 की स्पीड से मैं मर जाता। और मैं, मेरा लिटरली मन किया उसको चेस करूँ, उसको पकड़ के मारूँ, लेकिन मैंने नहीं किया, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, इतना भड़क गया था ना मैं, बिकॉज मेरी जान पे आ गई। तेन जो स्टोरी था वो तो इसीलिए ध्रुव की तरफ से, ध्रुव रेठी एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट के, वो क्या है, वो ध्रुव का एक नया सीरीज़ आने वाला है यूट्यूब में और इसमें बहुत ऐसी नया चीज़ होने वाला जो अभी तक यूट्यूब में बेसिकली हुआ ही नहीं। तो यार देखते हैं वो सब क्या होता है। तेन जो स्टोरी आता है वो तो इसलिए अमित भरण की तरफ से, अमित भरण का जो आत्मनिर्भर सॉन्ग था उसमें यार जो कमेंट था उसमें बहुत ज़्यादा, मतलब स्पैम कमेंट आ रहा था, मतलब एक ही बंदे ने बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहा था। उसका जो कमेंट है वो हाई, मतलब ज़्यादा करने के लिए बेसिकली। अभी इसके ऊपर ही अमित अपने इंस्टाग्राम पे कुछ स्टोरी डाला था जिसे आप लोग देख सकते हो, मैं आप लोग शॉर्ट में समझा देता हूँ। बेसिकली कहा क्या है कि इस वीडियो में जो भी कमेंट है उसने रिकॉर्ड कर दिया अपने चैनल पे। और एक स्टोरी था जिसमें बोला कि बहुत ज़्यादा स्पैम कमेंट की वजह से जो सब जेन्युइन कमेंट है वो सब नीचे, मतलब नीचे आ गए थे। तो इसके ऊपर ही एक बंदे ने बेसिकली मैसेज किया कि उसने यार
अकेले ने 1000+ कमेंट किया है। जैसे कि यार मैंने पहले एक स्क्रीनशॉट आप लोगों को दिखाई दिया था कि ऐसी एक बंदे ने बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे थे। तो यह तेन जो स्टोरी था वो तो इसलिए केरी की तरफ से, केरी अपने ट्विटर पे एक ट्वीट किया जैसे आप लोग देख सकते हो, मतलब नए वीडियो के लेके आप लोग यार पढ़ लेना, ऐसे पढ़ लेना आप लोग पढ़ सकते हो, मेरे को पता है पढ़ लेना। जो स्टोरी था वो तो बेसिकली लास्ट, मतलब लास्ट स्टोरी क्षतिश के वीडियोज़ की तरफ से। बेसिकली क्षतिश भाई ने एक अमेजोन से एक ऑर्डर किया था बेसिकली ऑनलाइन से, तो उसके साथ क्या वो आप लोग खुद देख सकते हो। अभी मुझे एक अमेजोन से प्रोडक्ट मिला, आप देख सकते हो उसकी पैकेजिंग कैसी हुई है, कितनी घटिया तरीके से हुई है। लाइक ये ट्रांसपेरेंटली दिख रहा है कि आपने क्या प्रोडक्ट ऑर्डर किया है। पता नहीं यार अमेजोन ऐसा क्यों कर रहा है, या फिर कोई ऐसी पॉलिसी आई है कि प्रोडक्ट ऐसे ट्रांसपेरेंट दिखना चाहिए। फिर तो यार कुछ भी, मतलब प्राइवेसी का कुछ तो रहा ही नहीं। और अगर आप कुछ फोन मंगा रहे हो तो फोन भी पता चले बाहर से दिखे तो कुछ भी हो सकता है। बहुत ही घटिया लगा मुझे, बहुत ही ज्यादा घटिया। तो गाइस बेसिकली इतना, इसके ऊपर अगर आप लोग कुछ भी कहना चाहते हो तो सिंपल सा कमेंट कर सकते हो, मेरा तो कमेंट बॉक्स ओपन ही रहता है, मैं आके मतलब पढ़ लूँगा। तो गाइस इतने था आज के इस वीडियो में, तो अभी आप लोग मेरे वीडियो का आप लोग मुझे सिंपल सा कमेंट कर सकते हो अच्छा लगे तो प्लीज़ यार मेरी इस वीडियो को एक लाइक कर दो, और प्लीज़ चैनल पर नहीं आ रहा तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो हर दिन अपलोड करता रहता हूँ। तो बाय यार, बाय।